बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबसे पहले ईद मुबारक। तो आप लोग आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और डिसाइड तो कुछ और किया था पहनने का, लेकिन वो मैंने सोचा मैं कल पहनूंगी क्योंकि कल हमने जाना था पप्पूगढ़, तो डिसाइड किया कि वो ड्रेस जो है वो मैं कल पहनूंगी। सो आज मैंने ये कुर्ता पहना। मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी, वहाँ से भी आप मेरी फुल लुक देख सकते हैं। और कैसी जा रही है आप लोगों की ईद? हमने जो है लाइट कलर शूज़ किए कि हम लाइट कलर्स पहनेंगे ताकि इतनी गर्मी ना लगे। घर में सब ने आज लाइट कलर्स पहने हुए हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने किस किस कलर के ड्रेस पहने हुए हैं आज, मतलब आज के कमेंट सेक्शन में आपका काम है बताना कि आप लोगों ने किस तरह के किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, आज का व्लॉग होगा इस बारे में कि हम अपना ईद का फर्स्ट डे, बड़ी ईद, मतलब किस तरह गुजारते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन आता है, क्या खाना खाएंगे, क्या क्या मतलब फर्दर एक्टिविटीज़ करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। व्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। लेट्स गो, ईद मुबारक अगेन। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आ जाएगा गोश्त वगैरह भी घर में, ठीक है, उसको ही फिर पार्टीशन करनी है और घरों में भेजना है डिफरेंट, जहाँ जहाँ जिन जिनको मामा ने देना है। और हंडी भी पकनी है, खाना खाएंगे, मजे से इंजॉय करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज का हम ईद का डे, फर्स्ट डे, ईद उल अज़हा किस तरह गुजारते हैं। होप सो आप लोगों का ये डे बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि ईद है। सबके लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं कि सबका ये डे बहुत अच्छा गुजरे, हमारा भी बहुत अच्छा गुजरे। और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह आसानियाँ फरमाए, उस पर रहम नाजिल फरमाए, जो जो मतलब ये हो रहे हैं डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उन सब से निकल के हम एक अच्छा जिसे कहते हैं ना कंट्री लाइफ स्टाइल जो है वो जी सकें। हाँ हेलो, लाल लाल भी है मम्मा। चलो अभी गोश्त के धोने के इंतजाम। आज ये महक काम करेगी, नहीं आती करो अभी ढेरी, वहां मैं बना लाई थी। माशाल्लाह लोगों के कसाई होते हैं, हमारी कसाई ने मामा अब शी कसाई है। वो हट की वजह से ज्यादा ज्यादा लग रहा है। अली भाई बड़े बड़ी बड़े हैं। नफ है हाँ, फिर कवर कर लेंगे ना बाद में। क्या लाल गोश्त है, मोटी भी काफी बड़ी है। छन्नी मतलब एक एक प्लेट। इंसाफी ना हो जाए, मतलब कि वो किसी में ज्यादा हो जाए किसी में कम हो। इसमें कम है नहीं, केस बचाओ चारपाई पे और वॉश कर करके इसे वहाँ रखो, उसका अच्छे से वॉश है। क्या करी है नहीं, मैं बस स्लिप काफी है ना, फिर ठहर जा ठहरो, ईदी नहीं लेनी लेनी है पापा। किधर हैं? फिर भी
ईदी है ले लो ईदी ये चलो ऐसे गिनता जा। चाहिए मार्कर मम्मा बड़ी डब्बियाँ चाहिए थी ना माशाल्लाह अम्मा कैसा लग रहा है तेज भी पड़ा था कह रहे थे किसके पैसों से मेरा बात अभी एक